नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे भारत में तेल की कीमतों के बारे में। आप में से अधिकतर लोगों के दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है कि अभी कुछ ही दिन पहले आपने न्यूज़पेपरों में सुना था कि तेल की कीमत इतनी गिर चुकी है कि लोग तेल भी ले रहे हैं और बदले में पैसे भी ले रहे हैं कई देश। तो ये हमारे देश में देखने को क्या नहीं मिल रहा है, क्योंकि अन्य देशों में तेल की कीमतें गिर रही हैं, पर भी हमारे देश में आपको देखने को मिल रहा है कि तेल की कीमत बढ़ती जा रही है। जब से आपने देखा है कोरोना वायरस चालू हुआ है, तब से हमारे देश में कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं, फिर चाहे आपका डीजल हो पेट्रोल हो। तो इस क्लास में आज हम लोग सब कुछ बता देंगे आपको, ठीक है, बहुत ही साधारण शब्दों में। तो भारत में तेल की कीमत, या मैं आपको एक उदाहरण लेता हूं आलू का, ठीक है, आपको समझ में भी आ जाएगा और बहुत नॉर्मल भी रहेगा ये उदाहरण आपके लिए। जैसे किसान आलू उत्पादन कर रहा है, ठीक है, 10 किसान आलू उत्पादन कर रहे हैं, और ये आप अपना उत्पादन लगातार चालू रखे हुए हैं, अपना उत्पादन यानी कि ये उत्पादन करने में कोई कमी नहीं ला रहे हैं, लेकिन खरीदार कम हो जाए किसी कारणवश से, तो आप समझिए कि कीमत क्या होगी, गिरेगी आलू की, क्योंकि उत्पादन तो उतना ही हो रहा है, 10 क्विंटल उत्पादन हो रहा है, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए जो पहले 10 क्विंटल बिक जाता था उनका आलू, अब उसे खरीदने के लिए ग्राहक नहीं है उनके पास। तो क्या करेगा किसान, या तो अपना आलू फेंक देगा, पशुओं को खिला देगा, या फिर क्या करेगा कि बिल्कुल सस्ता दे देगा कि ले जाइए, फिर भी अगर कोई ना खरीदे तो बोल देगा कि लीजिए आलू भी ले लीजिए और कुछ पैसे हमसे ले लीजिए, क्योंकि जितना आलू घर में रखने में खर्च होना है उतने में दूसरे को दे देता हूं, कम से कम जगह तो बचेगी। तो यही हालत है हमारे, कि जब से आपने कोरोना देखा है तब से सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, उद्योग धंधे आपकी हवाई यात्राएं जो भी आपके वाहन है, तो तेल का उत्पादन बराबर चल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं की गई है, लेकिन क्या हुआ है कि खपत उसकी कम हो गई, इसलिए तेल की कीमतें गिरी हैं। लेकिन कई लोग पूछ रहे हैं भारत में क्या स्थिति है, तो आपको बता दें भारत की स्थिति यह है कि आप तक किस तरह से ये तेल पहुंचता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तेल निकलता है, रिफाइनरी में आता है, यहाँ कच्चे तेल से आपका पेट्रोल डीजल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं, यहाँ तक सब नॉर्मल है, ठीक है। फिर कंपनियां आती हैं बीच में, ये अपना मुनाफा बनाती हैं और पेट्रोल पंप तक तेल पहुंचाती हैं, फिर पेट्रोल पंप आते हैं, आपके बीच की बात कर रहा हूं, तो पेट्रोल पंप यहाँ क्या करते हैं कि पेट्रोल पंप का जो मालिक होता है वो अपना तयशुदा जितनी उसका कमीशन होता है वो रख लेता है, उसके बाद खरीददार होते हैं यानी कि हम आप। तो इसमें क्या करते हैं, केंद्र और राज्य सरकारें एक्साइज ड्यूटी लगा देती हैं और साथ में वेट भी लगा देती हैं कर, उसके बाद आपको दिया जाता है। एक बात आप समझिए कि किसान 5 रुपए किलो आलू बेच रहा है, उसके बीच में कोई बिचौलिया आ जाए और वो वहां से 5-6 रुपए किलो आलू खरीदे, उसके बाद 15-20 रुपए किलो आपके आपको बेचे, तो यही हाल है कि उन देशों यानी कि जहां उत्पादन हो रहा है, आप सब जानते होंगे कि 85 से 90% हम लोग तेल आयात करते हैं यानी कि अन्य देशों से खरीदते हैं, हमारे यहाँ उत्पादन इतना नहीं है कि पूर्ति हो जाए हमारी, तो हमारे और उन देशों के बीच आपकी जो सरकार है ये बैठी हुई है, तो सरकार हमें फायदा नीचे तक नहीं पहुंचने दे रही, ये एक्साइज ड्यूटी लगा देती है यानी कि टैक्स लगा देती है, जिससे क्या है कि वो महंगा हो जाता है तेल, ठीक है, आलू की जैसे आपने उदाहरण लिया है, तो किसान तो सस्ता दे रहा है बिचौलियों को, 5 रुपए किलो ही आलू दे रहा है, लेकिन बिचौलिया क्या कर रहा है, उस पर मुनाफा कमा रहा है 10 से 20 रुपए, तो इस तरह से आपको 25 रुपए 30 रुपए के आलू 1 किलो मिल रहे हैं, तो यही हालत आपकी सरकार की है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब इस आर्टिकल को देखते हैं हम लोग। तेल की कीमतों में गिरावट के उपरांत भी उपभोक्ताओं को लाभ नहीं प्राप्त होता है, जबकि मूल्य अधिक होने पर वे ही सर्वाधिक व्यय करते हैं। आपने देखा होगा जब आपका कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसका असर आप पर देखने को मिलता है, तब कोई भी सरकार आपका सस्ता नहीं करती है, लेकिन फिर भी आपका सस्ता है इस समय तेल, कच्चा तेल, फिर भी आपको महंगा दिया जा रहा है। तेल और गैस क्षेत्र भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में से एक है,
और अर्थव्यवस्था के अन्य सभी महत्वपूर्ण वर्गों के लिए निर्णय लेने को प्रभावित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। भारत की आर्थिक वृद्धि ऊर्जा मांग के साथ निकटता से संबंधित है, इसलिए तेल और गैस की जरूरत अधिक पड़ने के अनुमान है, जिससे क्षेत्र निवेश के लिए काफी अनुकूल है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कई नीतियां अपनाई हैं। सरकार ने क्षेत्र के कई क्षेत्रों में 100% प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश यानी कि जिसे आप लोग FDI कहते हैं, की अनुमति दी है, जिसमें आपका प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया उत्पाद और रिफाइनरियां शामिल हैं इसमें। आज यह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL और केयर्न इंडिया की उपस्थिति के अनुसार घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करता है। 2018 के अंत में भारत के पास 4,500 मिलियन बैरल सिद्ध तेल भंडार थे। 2018 में ये 39.5 मिलियन टन का उत्पादन किया। अब 1 अप्रैल 2019 तक भारत में 10,419 किलोमीटर कच्चे पाइपलाइन का नेटवर्क था, जिसकी क्षमता आपकी 145.6 MMTPA थी। अगर हम लोग बाजार की बात करें तो वैश्विक स्तर पर गैर OECD पेट्रोलियम उपभोग वृद्धि में भारत के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक होने की उम्मीद है। तेल का आयात 2017-18 में अमेरिका के 87.37 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2016-17 में यह 70.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यानी कि समझ रहे हैं, 2016 में कितना था, 70.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो आपका 2017-18 में बढ़कर 87.37 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। भारत ने 2017 में दुनिया में तेल के तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। यानी कि हम तेल के मामले में सबसे बड़े तीसरे नंबर पे हम लोग उपभोग करने में। 1 दिसंबर 2019 तक भारत की तेल शोधन क्षमता 238.60 मिलियन टन थी, जो इसे एशिया में दूसरा सबसे बड़ा रिफाइनर बनाता है। निजी कंपनियों की कुल शोधन क्षमता का लगभग 35.36% है। जापान, दक्षिण कोरिया और चीन के बाद भारत 2017 में भारत चौथा सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG आयातक था। LNG का आयात 2017-18 में बढ़कर 26.11 BCM हो गया, जबकि 2016-17 में यह 24.48 BCM था। अप्रैल 2019 और जनवरी 2020 के दौरान भारत का LNG आयात 27.43 बिलियन क्यूबिक मीटर यानी कि BCM रहा। देश में गैस पाइपलाइन की बुनियादी ढांचा फरवरी 2019 की शुरुआत में 16,226 किलोमीटर था। जुलाई 2019 में भारत का घरेलू कच्चा तेल उत्पादन 2,769,000 टन TMT है। 2017 तक देश में 600 मिलियन मैट्रिक टन साबित तेल भंडार थे। FY19 में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में कुल कच्चे तेल का आयात 111.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि वित्त वर्ष 2018 में 87.70 बिलियन US डॉलर था। 2019 में कच्चे तेल का आयात वित्त वर्ष 2018 में 4.41 MBPD से ही बढ़कर 4.53 MBPD हो गया। वित्त वर्ष 2019 में 4,808 TMT से वित्त वर्ष 2019 में अंशधारकों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन बढ़कर 4,931.22 TMT हो गया और वित्त वर्ष 2020 नवंबर 2019 तक में 3,179 TMT तक ये पहुंच गया था। अब बात करते हैं ईंधन बाजार में क्या होना चाहिए और क्या है। सिद्धांत रूप में भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा
कीमतें वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ी हैं। ऑटो ईंधन और अन्य जैसे विमानन टरबाइन ईंधन या फिर ATF के उपभोक्ता अंतः कीमतों का पूर्ण रूप से डी कंट्रोल होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं, जैसा कि फरवरी से काफ़ी हद तक चलन रहा है, तो खुदरा कीमतों में भी कमी आनी चाहिए, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। इनका सीधा सा कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कीमतें गिरती हैं तेल की, तो उसका फायदा हमारे देश को भी, यानी कि हमारे देश के नागरिकों को भी होना चाहिए। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि ऐसा कुछ दिखता नहीं नजर आ रहा है। ऑटो कंपनियों के ईंधन की कीमतों में लगातार छठे दिन की बढ़ोतरी हुई, क्योंकि तेल कंपनियों ने 82 दिनों के अंतराल के बाद रविवार से संशोधित कीमतों को फिर से शुरू किया है। पिछले 6 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 3.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल में आपकी 3.42 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, या उनके पहले साप्ताहिक पतन के लिए तेल बेंचमार्क हेडिंग के साथ मिलता है। बेंट और यूएस क्रूड इंडेक्स के बारे में 10% गिरते हुए, जिसने अपने अप्रैल कम तेल को धक्का दिया, क्योंकि बाजार इस वास्तविकता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। फिर आपका रुझानों में विचलन क्यों है आखिर? एक मुख्य कारण भारत में तेल की कीमत में गिरावट एक तरफा मार्ग। जब वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं, तो यह भार उपभोक्ता को दिया जाता है, जिसे खपत किए गए प्रत्येक लीटर ईंधन के लिए अधिक व्यय करना पड़ता है। इनका सीधा सा मतलब है कहने का कि जब कीमतें बढ़ती हैं, तब तो आप उपभोक्ता से कीमतें वसूलते हैं, लेकिन जब घटती हैं, तो उसका फायदा उपभोक्ताओं को नहीं देते हैं। लेकिन जब रिवर्स होता है तो कीमतें नीचे जाती हैं, तो सरकार लगभग डिफॉल्ट रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि अतिरिक्त राजस्व की उगाही करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए ताजा करों और लगान को कम कर देता है, जो उपभोक्ता को कम पंप कीमतों के माध्यम से आदर्श रूप से लाभान्वित होना चाहिए, उसे कम अथवा बदल दिया है और या तो फिर भुगतान करने के लिए मजबूर किया जो वह पहले से ही भुगतान कर रहा है, या फिर इससे भी अधिक भी है। मूल वेक्टर की तोड़ फोड़ में प्रमुख लाभार्थी सरकार है आपकी। उपभोक्ता एक स्पष्ट हारे हुए व्यक्ति के साथ साथ ईंधन खुदरा कंपनियों का के साथ है। सीधा सा आप मतलब यही निकालिए कि इसमें जो आपका वहाँ आपने बिचौलिया देखा होगा किसान और ग्राहक के बीच में, तो यहाँ आप लोग देखिए कि आपकी सरकार खड़ी हुई और इसका फायदा आपकी सरकार को ही मिल रहा है, आप लोगों को नहीं पहुँच रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट से उपभोक्ता लाभान्वित क्यों नहीं हो रहा है आपके? फरवरी की शुरुआत में क्रूड की कीमतें औसतन आपकी 55 प्रति बैरल यानी कि डॉलर 55 अमेरिकी डॉलर है, ठीक है, से घटकर आपका 35 डॉलर अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई थी, और फिर मार्च के अंत में ये गिरकर 20 डॉलर तक पहुंच गई, क्योंकि मांग में कमी थी। उस समय से कीमतें अब लगभग 37 तक वापस आ चुकी हैं, यानी कि जो हम पहले 55 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से खरीदते थे तेल, उसे 35 तक पहुंचा, फिर आपका 20 डॉलर तक गिर के पहुंच गया था, अब सुधर के 37 तक पहुंच आ गया था। दूसरी ओर भारत में ईंधन की खुदरा कीमतें 82 दिनों के रिकॉर्ड के लिए जमी हुई थी, जो इस अवधि के बहुत से कवर किया गया था। यहां तक ईंधन का उत्पाद शुल्क को केंद्र द्वारा 2 बार बढ़ाया गया था। हालांकि सरकार ने दावा किया कि बढ़ोतरी का असर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ा, लेकिन बाद में कच्चे तेल की कीमतों में इस गिरावट का फायदा कम स्तर दर्ज करने में नहीं हुआ। केंद्र के अलावा कई राज्यों ने इस अवधि के दौरान ऑटो ईंधन पर लगान भी बढ़ाया। कर्तव्यों को बढ़ाने का निर्णय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि तंग राजकोषीय स्थिति को देखते हुए लिया गया था यह निर्णय। खुदरा कीमतें अपरिवर्तित थी, इसलिए प्रभावी रूप से केंद्र द्वारा उत्पाद शुल्क बढ़ोतरी की तेल की कीमतों में गिरावट के खिलाफ OMCS द्वारा समायोजित किया जाना था, लेकिन अब खुदरा कीमतों में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है। तेल पर भारत का कर क्या यह अधिक है? 5 मई को केंद्र ने मार्च में पहले सप्ताह में एक दौर में
तेज बढ़ोतरी के साथ डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल पर आपका 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है कर के रूप में, ठीक है। यह सभी प्रभावी रूप से ईंधन के उच्चतम करों के साथ भारत की स्थिति को मजबूत करता है। उत्पाद शुल्क फरवरी 2020 में वृद्धि से पहले सरकार केंद्र प्लस और राज्यों में लगभग 107% कर उत्पाद शुल्क और बेट पेट्रोल के अधिभार मूल्य डीजल के मामले में आपका 69% एकत्रित कर रही थी। पहले संशोधन के बाद सरकार पेट्रोल की बेस प्राइस पर करीब 135% टैक्स एक्साइज ड्यूटी और बेट डीजल के मामले में 88% 16 मार्च 2020 तक इकट्ठा करने में सक्षम थी। मई में उत्पाद शुल्क में दूसरे संशोधनों के साथ सरकार पेट्रोल की बेस प्राइस पर 260% उत्पाद शुल्क और बेट एकत्रित कर रही और डीजल के मामले में 256% 6 मई 2020 तक केयर रेटिंग द्वारा अनुमान लगाने के लिए कहा गया। इसमें आप लोग समझ में आ रहा है आपको? सीधा सा मतलब है कि जो आपकी 100 रुपये की कोई वस्तु है, ठीक है, 100 रुपये किलो, 100 रुपये का 1 लीटर डीजल मिल रहा है आपको मान लीजिए, ठीक, तो क्या कर रही है कि उस पर 125 पेट्रोल पर 107% कोई 134% तक, यानी कि 134 रुपये और जोड़ दो उसमें आप लोग, तो मतलब आप समझ रहे हैं 100% का 134% ले रही टैक्स के रूप में। तो इसीलिए तो आपका इतना महंगा डीजल हो जाता है, पेट्रोल इतना महंगा हो जाता है। शराब पर आप देखते हैं कि कितना टैक्स लगाया जाता है, जो 20 रुपये का अगर आपकी शराब की बोतल आए वो आपकी 300 से 400 रुपये में बिकती है टैक्स लगा के, तो यही हाल है। इसकी तुलना में पंप की कीमतों के प्रति सत के रूप में ईंधन पर जर्मनी इटली में खुदरा मूल्य का लगभग 65%, यूके में 62%, जापान में आपका 45% और अमेरिका में आपका 20% के तहत करों पर प्रतिबंध था। अब जैसा कि देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पर ला दिया, तेल की कीमतें अप्रैल में देखी गई चढ़ाव से ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, इसलिए जैसे ही OMC इन बढ़ोतरी को पार करती है और उपभोक्ताओं को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और कठोर वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है। हर बार जब कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट आती है और सरकार पंप की कीमतों को पूरा करते हुए अपने खजाने को भरने का अवसर का उपयोग करती है, उपभोक्ता के लिए बामुश्किल परिवर्तन होता है। लेकिन जब रिवर्स होता है तो उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है। सीधा सा मतलब है आपका, दुनिया की छोड़ी आप लोग, इसमें वही है कि जब कीमतें बढ़ जाएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो उसका भुगतान आपको करना पड़ता है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें घट जाएं तो उसका भुगतान उसका फायदा कौन लेती है? सरकार, उसमें आपको कोई फायदा नहीं दिया जाता है। यानी कि घाटा हो तो आप भरें और फायदा हो तो सरकार रखे, यही हाल है, ठीक है। तो ये कहानी थी आपकी तेल की कीमतों के बढ़ने की।